students, this video is for all the ones who have started their new academic year. नया साल शुरू होता है तो हम बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे resolutions लेते हैं कि इस साल तो मैंने regular पढ़ाई करनी है, इस साल मैंने time से notes बनाने हैं, लेकिन हमें एक चीज़ समझ नहीं आ पाती कि यार वो notes बनाए कैसे, क्या करूँ, जाकर market से बहुत सारे highlighters खरीद लाऊँ, बहुत सारे colored pens ले आऊँ, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक हाईलाइटर ले लो, हाईलाइटर नहीं है तो क्रियॉन ले लो, येलो कलर का या ग्रीन कलर का, और एक पेन पेंसिल ले लो, ठीक है। अब नोट्स कैसे बनाने हैं, देखो अगर तुम पाइल अप करते रहोगे ना कि आज पढ़ाया कल पढ़ाया फिर तीसरे दिन नोट्स बना लो, तो तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो नोट्स साथ साथ बनाने हैं हमने, रेगुलरली बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं ना नोट्स बनाते टाइम, वो ये करते हैं कि किताब का बना बनाया सेंटेंस एकदम सेम कॉपी में कॉपी कर देते हैं। तुम्हें ये नहीं करना, तुम बुक्स किराए पे देने वाले हो क्या? नहीं ना, बुक्स तुमने आज खरीदी है तो लास्ट तक रहेंगी ना तुम्हारे साथ। ऐसे थोड़ी है कि यार वो किताब बहुत ही भारी है, उठाने के लिए टैक्स देना पड़ता है। नहीं, बुक तो तुम्हारे पास ही रहेगी, तो जो सेंटेंस बुक में लिखा हुआ है मुझे वो कॉपी में लिखने की क्या जरूरत है? मेरे नोट्स क्यों हैं? मेरे नोट्स सिर्फ इसीलिए हैं कि मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, नाउ आई नो कि आई हैव लर्न दिस चैप्टर, आई जस्ट वांट टू टेस्ट माय सेल्फ। मुझे सिर्फ टेस्ट करना है कि यार मुझे याद है कि नहीं, या फिर मुझे एक क्विक रिवीजन चाहिए जो मुझे बुक से नहीं मिल सकता, इसीलिए हम नोट्स बनाते हैं। अब तुम नोट्स कैसे बनाओगे, लेट्स टेक अ स्मॉल टॉपिक कॉल्ड कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। तुमने कॉजेज ऑफ पॉवर्टी किताब में से पढ़ा, बुक में से तुमने पढ़ा, अब तुम बुक में क्या करो, हाईलाइट कर दो, ठीक है, ये वाला पॉइंट था, इस पॉइंट में ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे लिखा हुआ है कि 2011 के अंदर इतना परसेंट पॉवर्टी था, तो उस चीज़ को हाईलाइट कर दो क्योंकि वो तुम्हें काम आएगा। अब नोट्स कैसे बनाओगे, नोट्स में लिखो ऊपर ऊपर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, पॉइंट नंबर 1 पॉपुलेशन, पॉइंट नंबर 2 इलिटरेसी, पॉइंट नंबर 3, 4, 5, ऐसे लिखते रहो। उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है नोट्स में, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द एक्सप्लेनेशन इज ऑल इज अवेलेबल इन योर बुक, है ना। क्यों लिखूं मैं नोट्स में, फिर क्यों मैं मेरा टाइम वेस्ट करूं? अब क्या होगा, तुम्हारी बुक में एक्सप्लेनेशन है, तुम्हारे नोटबुक में है पॉइंट्स, पेपर है मेरा कल, क्या टेस्ट है मेरा कल, ठीक है। अब मुझे टेस्ट से पहले पहले ना फटाफट रिवाइज करना, मैं क्या करूंगी, मैं कॉपी खोलूंगी, मैंने देखा कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, वहां लिखा है पॉपुलेशन, मुझे एक्सप्लेनेशन मालूम है कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, सब लोगों को एडुकेट रिसोर्सेज मिल नहीं रहे और इसीलिए गरीबी बढ़ रही है, तुम्हें पता है ना ये चीज़, इतनी तो हमने पढ़ाई कर रखी है, तो उसको आप एग्जाम में लिख सकते हो। फॉर अ क्विक रिवीजन आप पॉइंट्स सारे वहां से याद कर सकते हो, ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं। समझ में आया? बिल्कुल सेम बुक वाली लाइंस हमें नोटबुक में कॉपी पेस्ट नहीं करनी। दैट्स हाउ यू आर सपोज टू मेक योर नोट्स एंड स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स फ्रॉम day 1। day 1 से शुरू करोगे नोट्स बनाने तो 10-15 दिन में नोट्स भी तुम्हारे थोड़े रिफाइन होते रहेंगे, अच्छे बनाते रहोगे। प्रॉब्लम आ रही है अगर नोट्स बनाने में, समझ नहीं आ रहा सही बनाए हैं गलत बनाए हैं, सो आई एम देयर, मुझे भेज दो या टेलीग्राम पर, मैं चेक करके बता दूंगी। इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं आए, प्लीज़ डोंट थिंक कि मैम इग्नोर कर रहे हैं, बेटा मैम के पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना, तो मैम कई बार टाइम पर नहीं भी देख पाती, तो तुम भेज दो, जैसे ही मैं देखूंगी मैं रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो अपने नोट्स बनाने की कोशिश करो, नोट्स तुम्हारे इंटरेस्टिंग दिखने चाहिए, अगर मैं इतनी बड़ी बड़ी लाइंस लिख दूंगी ना नोट्स में, मेरा मन ही नहीं करेगा उनको पढ़ने का। सो मेक बबल्स, मेक क्लाउड्स, कलर्ड पेन्स यूज कर लो, इसका मतलब ये नहीं है कि डेकोरेट करने लग जाओ, बट थोड़ा सा अट्रैक्टिव, क्योंकि विजुअल चीज़ें तो हमारा ब्रेन जल्दी कैप्चर करता है ना, ऐसे हमें नोट्स बनाने हैं। अब मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ और कैसा तुम्हें वीडियो चाहिए, वैसे तो मैंने कवर कर दिए हैं ऑलमोस्ट सारे लेक्चर्स जो जो तुम्हें चाहिए थे, बट अभी भी अगर कुछ रह गया है तो प्लीज़ मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि नेक्स्ट वीडियो तुम्हें कौन सा बनाना चाहिए। ओके, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, अपने दोस्तों से भी करवा दो, क्योंकि सैटरडे संडे को सोशल साइंस का क्लास होता है 7 to 8 PM। बाय बाय।